हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानकारी देने वाला हूं हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट के लिए एक नए गवर्नमेंट जॉब अपडेट की। देखिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वैकेंसी निकाली गई है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से सिविल जज की भी वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में आपको इन वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 7 वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, इसमें क्लर्क की 1 वैकेंसी, चौकीदार की 2 वैकेंसी, जूनियर ट्रांसलेटर की 2 वैकेंसी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसी और लॉ ऑफिसर की 1 वैकेंसी निकाली गई है। यदि हम पे स्केल की बात करें तो क्लर्क के लिए पे स्केल है 5,910 रुपये से 20,200 रुपये और ग्रेड पे है 1900 रुपये। चौकीदार के लिए पे स्केल है 4,900 रुपये से 10,680 रुपये और ग्रेड पे है 1,300 रुपये। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए पे स्केल है 5,910 रुपये से 20,200 रुपये और ग्रेड पे है 2,800 रुपये। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए पे स्केल है 5,910 रुपये से 20,200 रुपये और ग्रेड पे है 2,400 रुपये। लॉ ऑफिसर के लिए पे स्केल है 10,300 रुपये से 34,800 रुपये और ग्रेड पे है 4,400 रुपये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए सबसे पहले क्लर्क, जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन की है और इसके अलावा हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड हो, वे सभी कैंडिडेट इन क्लर्क की वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार, तो देखिए जिन कैंडिडेट ने 8th की है वे सभी चौकीदार के पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर, जिन कैंडिडेट ने हिंदी और इंग्लिश में ग्रेजुएशन की है वे सभी जूनियर ट्रांसलेटर के पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो देखिए इसके लिए जिन कैंडिडेट ने 12th पास की है और लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा किया है वे सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफिसर, तो देखिए जिन कैंडिडेट के पास लॉ की डिग्री है वे सभी लॉ ऑफिसर के पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इन सभी पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फी, तो देखिए लॉ ऑफिसर में जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर और क्लर्क के लिए 400 रुपये और चौकीदार के लिए 200 रुपये। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए लॉ ऑफिसर में 150 रुपये, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर और क्लर्क के लिए 100 रुपये और चौकीदार के लिए 50 रुपये। देखिए यदि हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आप इन पदों पर 8 जुलाई 2019 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हो, यानी कि इन पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 जुलाई 2019। देखिए अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से निकाली गई सिविल जज की वैकेंसी के बारे में। तो देखिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से सिविल जज की 5 वैकेंसी निकाली गई है। यदि हम इन पदों पर अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट के पास लॉ की डिग्री है वे इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं और कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। तो देखिए इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की आयु 22 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो देखिए इन पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 जुलाई 2019। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपए और एससी और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 100 रुपए। देखिए ये थी पूरी जानकारी हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट के लिए नए गवर्नमेंट जॉब अपडेट की। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।